हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, कल हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द पोलर फॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दैट विल कम इन योर एग्जाम। देखो, पोलर फॉर्म के लिए पहले हमें चार्ट पढ़ना पड़ेगा। पहले हम देखेंगे, जो हमें एक्चुअल में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है ए प्लस आई बी की फॉर्म में, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। इसमें ए जो होता है वो रियल पार्ट होता है और बी क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है। दूसरी होती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म में होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर क्या होता है, आर आपका मैग्नीट्यूड होता है, मॉडुलस होता है। देखो ऊपर लिखा भी है मॉडुलस इन आर्ग्यूमेंट। तो ये जो इस तरीके से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये जो चीज़ होती है आर होती है, ठीक है। यहाँ कॉस थीटा होता है और यहाँ साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हमें गिवन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें दो चीज़ निकालनी पड़ती है। एक तो आर निकालना होता है, क्या निकालना होता है, थीटा निकालना होता है, ठीक है। अभी डिसाइड करते हैं कि पहले वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो अल्फा के इक्वल होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है माइनस अल्फा के इक्वल होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है पाई माइनस अल्फा और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है अल्फा माइनस पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो अल्फा के इक्वल होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है किसके इक्वल होता है माइनस अल्फा के इक्वल। ये डिसाइड करेंगे कि अभी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे निकालते हैं, पाई माइनस अल्फा से निकालते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो निकालते हैं अल्फा माइनस पाई से निकालते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे थीटा कितना होगा, जीरो। यहाँ पे थीटा कितना होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, थीटा जीरो। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे थीटा कितना होता है पाई 180। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थीटा कितना होता है पाई बाई 2 और नेगेटिव वाई एक्सिस पे थीटा कितना होता है 3 पाई बाई 2। क्लियर? तो पहले आपको इतना ध्यान रखना है। हम ये देखेंगे कि हमारा जो गिवन फॉर्म है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर दिया। वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, एक्स बी प्लस वाई बी प्लस, मीन जैसे ए प्लस आई भी दे रखा है। अब ए प्लस आई बी में सपोज करो 1 + 2 आई है तो इसमें रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएंगे, अगर ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर इसके 1 दे रखा है खाली तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है क्योंकि इसकी वाई की वैल्यू 0 है। -1 दे रखा है तो कहाँ दे रखा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर ये दे रखा है 2i है तो कहाँ पे है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। -2i है तो कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस। तब थीटा कितना होगा, 3 पाई। क्लियर? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो कितना होता है अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा फर्स्ट में थीटा अल्फा, फोर्थ में थीटा माइनस अल्फा, सेकंड में थीटा जो होता है वो पाई माइनस अल्फा होता है और फोर्थ में जो होता है थीटा अल्फा माइनस पाई होता है। एक्स एक्सिस पे थीटा जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे थीटा 0 होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे थीटा जो होता है वो कितना होता है पाई होता है। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थीटा पाई बाई 2 होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे थीटा कितना होता है 3 पाई बाई 2 होता है। क्लियर है तो कोई कन्फ्यूजन? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ए क्वेश्चन पेपर में आपके कन्फर्म आना है पोलर फॉर्म का। अभी आज होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 2 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 2 क्वेश्चन नंबर 8 ये चार्ट बना लिया आपने, इसको चार्ट को कॉपी कर लो। यहाँ पे थीटा अल्फा है या थीटा पाई माइनस है, चलो मैं इसकी पिक भी सेंड कर दूंगा। इसकी भी मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा। अब देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस पाई, ये दे रखा है 1 माइनस पाई, ये इसकी जनरल फॉर्म की बने 1 माइनस पाई, कहाँ लाई कर रहा है ये? x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, कहाँ लाई करेगा आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट में, इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस x है। देखो r निकलता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये निकाल लो, देखो कंपैरिजन करो तो ये आएगा 1 माइनस i इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i इनटू r sin थीटा, या r का सीधा फॉर्म याद कर लो cos थीटा प्लस i sin थीटा, r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया अंडर रूट, आर अंडर रूट 2 हो गया। अब थीटा कैसे निकालेंगे? टेन थीटा इक्वल्स टू होता है मॉडुलस में बाय बी अपॉन ए, तो टेन थीटा आ जाएगा आपका, बी कितना है माइनस के 1, ए कितना है 1, 1 आ गया, टेन थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है? पाई बाई 2, टेन थीटा इक्वल टू टेन पाई बाई 2, थीटा कितना आ गया पाई बाई 2, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये एक काम कर सकते हो टेन अल्फा मानो टेन अल्फा इक्वल टू दिस, फाइनली थीटा कितना आ जाएगा, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहा है? 1 माइनस आई है, पहली वैल्यू प्लस है दूसरी वैल्यू माइनस है, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यहाँ लाई करता है माइनस प्लस, माइनस माइनस थर्ड में लाई करता है और प्लस माइनस कहाँ लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा कितना आएगा? माइनस अल्फा की, जाके माइनस की पाई करते हैं, आंसर आ गया आपका 1 माइनस आई प्लस 2 अंडर रूट 2 cos of माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई, क्लियर? आंसर चेक करते हैं दोबारा, एक्सप्लेन करते हैं, होने सारे क्वेश्चन अब ऐसे 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अंडर रूट 2 कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 जो है वो पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म के अंदर मैंने ग्राफ बताया था, ग्राफ अभी मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड में, 1 माइनस आई इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका मतलब ये जनरल फॉर्म की बने पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक तो आर चाहिए और एक क्या चाहिए? थीटा चाहिए। अब आर कैसे निकालते हैं? आर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ये आर का फॉर्मूला है मॉडुलस का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है कंपैरिजन करोगे तो 1, बी कितना है माइनस 1, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 कितना जाएगा अंडर रूट 2, तो आर आपका अंडर रूट 2 आएगा, ये आएगा टेन अल्फा, टेन अल्फा होता है बी अपॉन ए, बी कितना है माइनस 1, ए कितना है 1, तुझे लैपटॉप दे दिया तो अब इनको बोल दे अपन को रुक जाओ, टेन अल्फा कितना है मॉडुलस में बी अपॉन ए, टेन अल्फा का फॉर्मूला होता है, मॉडुलस बी कितना है, मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 1, ए की वैल्यू 1, तो टेन अल्फा कितना आगे बना गया, टेन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है पाई बाई 4 पे, तो अल्फा पाई बाई 4 है। अब आपको ये लाई कर फाइनली ये डिसाइड करने की कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि आपके आप थीटा निकालेंगे, ये लाई कर रहा है आपका एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पहली वैल्यू पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर थीटा कितना होता है माइनस अल्फा के इक्वल होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है वो कितना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है पाई माइनस अल्फा होता है,
फर्स्ट में थीटा अल्फा, सेकंड में थीटा माइनस अल्फा के इक्वल, सॉरी फोर्थ में, सेकंड में थीटा जो था पाई माइनस अल्फा होता है, फोर्थ में कितना, थर्ड में कितना होता है पाई माइनस अल्फा माइनस पाई। फर्स्ट में थीटा अल्फा है, फोर्थ में माइनस अल्फा है, सेकंड में पाई माइनस अल्फा और थर्ड में अल्फा माइनस पाई। तो ये हमारा आ गया थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, क्योंकि ये तो फोर्थ क्वार्टर में है, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी थी माइनस पाई बाई फोर, का आंसर आ गया अंडर रूट टू कॉस माइनस पाई बाई फोर प्लस आई साइन माइनस पाई। वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर अंडर रूट टू कॉस माइनस पाई बाई फोर प्लस आई साइन माइनस पाई। पहले हमने आर निकाला, आर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, वन प्लस वन कितना आ गया अंडर रूट टेन अल्फा निकाला बी अपॉन ए, वन आया अल्फा की वैल्यू पाई बाई फोर है, थीटा कौन से क्वार्टर में आ गया फोर्थ क्वार्टर में, थीटा कितना आ गया माइनस अल्फा, वैल्यू रिटर्न कर दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उन्हें सारे ऐसे ही देखो अपनी इसकी जल्दी जल्दी क्लियर हो गया आपको, थोड़ी सी कंफ्यूजन तो थीटा में होती है इसमें। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस के वन प्लस आई, माइनस के वन प्लस आई आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपका आर आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पे माइनस वन और बी कितना है वन, आएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन कितना आ गया अंडर आर आ गया अंडर। अब थीटा निकालना है, टेन अल्फा आ गया मॉडुलस में बी अपॉन बी कितना है वन है, ए कितना है माइनस वन, कितना आ गया वन, टेन अल्फा की वैल्यू टेन पाई बाई फोर, क्योंकि वन टेन पाई बाई फोर को होता है मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, बी की वैल्यू वन थी ए की वैल्यू माइनस वन, अल्फा पाई बाई फोर है इट लाइज इन एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन से क्वार्टर में लाई करता है नेगेटिव और पॉजिटिव, सेकंड क्वार्टर में, इट लाइज सेकंड क्वार्टर में, तो थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा आपका पाई माइनस है पाई माइनस पाई बाई फोर, कितना आ गया थ्री पाई बाई फोर, तो ये आ गया माइनस वन प्लस आई प्लस टू अंडर रूट टू कॉस थ्री पाई बाई फोर प्लस का आई साइन थ्री पाई, यहाँ के माइनस वन प्लस आई प्लस टू अंडर रूट टू आर की वैल्यू कॉस थ्री पाई बाई फोर थीटा यहाँ प्लस आई साइन थ्री पाई आ गया आंसर। अब क्लियर है सेकंड क्वार्टर में थीटा कितना होता है पाई माइनस अल्फा होता है, अल्फा पाई बाई फोर आता है तो पाई माइनस पाई बाई फोर कितना आ गया थ्री पाई बाई फोर, करेक्ट है आंसर। क्लियर हम नेक्स्ट है माइनस वन माइनस आई, माइनस वन माइनस के आई, अब देखो माइनस वन माइनस के आई इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ए कितना है माइनस वन बी कितना है माइनस वन आर कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, यह आ जाएगा वन प्लस वन, कितना आ गया अंडर रूट टू आ गया आगे आर। अब क्या करना है हमें थीटा निकालना है, तो टेन अल्फा कितना होता है मॉडुलस में बी अपॉन बी, भी आपका माइनस वन है और ए भी माइनस वन है, माइनस वन अपॉन माइनस वन वन आ गया, टेन अल्फा आ गया आपका टेन पाई बाई फोर, अल्फा आ गया पाई बाई फोर, कौन से क्वार्टर में लाई कर रहा है एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव, मतलब ए भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, कौन से क्वार्टर में आएगा थर्ड क्वार्टर में थीटा कितना होता है अल्फा माइनस वन, इट लाइज इन थर्ड क्वार्टर, तो थीटा कितना होगा अल्फा माइनस वन, अल्फा कितना आ गया आपका पाई बाई फोर माइनस के पाई, कितना आ गया माइनस के थ्री पाई बाई फोर, तो ये आ गया माइनस वन माइनस आई प्लस टू अंडर रूट टू कॉस माइनस के थ्री पाई बाई फोर प्लस का आई साइन माइनस का थ्री आंसर, माइनस वन माइनस आई प्लस टू अंडर रूट टू कॉस थ्री माइनस के थ्री पाई बाई फोर प्लस के आई साइन माइनस थ्री पाई आंसर क्लियर है आंसर। अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको, ए की वैल्यू माइनस वन थी बी की वैल्यू माइनस वन थी, दोनों नेगेटिव थे इसलिए थर्ड क्वार्टर में लाइक हुआ था, पहले देख लिया मैंने,
आर निकाला तो फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, वन प्लस वन अंडर रूट टू। आर तो आ गया होगा आपको निकालना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। टेन एल्फा निकाला मॉडलस में बी अपॉन ए, बी कितना था माइनस वन था, ए भी माइनस वन था, तो टेन एल्फा वन आ गया। टेन एल्फा टेन पाई बाई फोर, टेन एल्फा कितना आ गया पाई बाई फोर। कौन सा क्वाड्रेंट में लेकर जाए, नहीं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है अल्फा माइनस पाई होता है, तो अल्फा माइनस पाई तो आ गया पाई बाई फोर माइनस के पाई, कितना आ गया माइनस के थ्री पाई बाई फोर। तो आपका ये आ गया माइनस वन माइनस आई इक्वल्स टू अंडर रूट टू कॉस माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस के आई साइन माइनस के थ्री पाई। क्लियर। नेक्स्ट है माइनस के थ्री। अब माइनस के थ्री में इसका रियल पार्ट तो है, इमेजनरी पार्ट जीरो है। माइनस के थ्री यह आएगा आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, कितना आ गया आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए तो यहाँ पे माइनस के थ्री है, बी कितना है जीरो, इमेजनरी पार्ट जीरो है, माइनस के थ्री का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, माइनस के थ्री का स्क्वायर आएगा नाइन प्लस जीरो, कितना आ गया थ्री आ गया, आर आ गया। टेन अल्फा कैसे निकलेगा, बी अपॉन ए से, बी अपॉन ए। वैसे तो सीधा सीधा कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है क्योंकि माइनस के थ्री है, माइनस का थ्री यहाँ लाई करेगा। अगर माइनस का थ्री होगा तो यहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव थ्री होता तो इधर लाई करता, सी आई होता तो वाई होता, तो इट मीन्स पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करता। माइनस का थ्री होता तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करता, माइनस का थ्री है तो कहाँ लाई कर रहा है, इट लाइज इन ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। देयरफॉर थीटा कितना आ गया पाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे थीटा जीरो होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे थीटा कितना होता है पाई, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थीटा कितना होता है पाई बाई टू, नेगेटिव वाई एक्सिस पे थीटा कितना होता है थ्री पाई बाई टू। भाई यहाँ जीरो होता है यहाँ एक्स अस्सी होता है, यहाँ नब्बे और यहाँ 270, कितना आ गया आंसर माइनस के थ्री इक्वल्स टू थ्री कॉस पाई प्लस का आई साइन आंसर, माइनस के थ्री इक्वल्स टू थ्री कॉस पाई प्लस आई साइन। क्लियर है क्वेश्चन। अगर ए की वैल्यू होगी और पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ए की वैल्यू होगी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये होता है उस पर थीटा आपका पाई होता है। अगर आपका टू आई होता तो टू आई होता तो इमेजिनरी पार्ट होता, इट मीन्स वो वाई की वैल्यू है, तो कहाँ लाई करेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, माइनस का टू आई होगा तो इसका मतलब वो भी वाई की वैल्यू है लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू है, तो कहाँ लाई करेगा नेगेटिव वाई एक्सिस, तो उसके इसमें थीटा कितना होता है थ्री पाई बाई टू। अभी माइनस का थ्री था तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता था, इससे थीटा कितना है पाई आया, वैल्यू पुट कर दी थ्री कॉस पाई प्लस एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट थ्री प्लस आई, इसको आप अपने आप करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई करेगा तो थीटा अल्फा ही आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, आई ज्यादा आई इक्वल्स टू आएगा आपका आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका ए कितना आ गया जीरो, बी वन आ गया, आर कितना आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, जीरो प्लस वन कितना आएगा वन आ गया, आर की वैल्यू वन आ गई। अब क्या निकालना है हमें, थीटा निकालना है, थीटा में क्या लाइन कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लाइन कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस क्योंकि आई दे रखा है, आई है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लाई करेगा, माइनस आई होगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस पर लाई करेगा, तो थीटा कितना आ जाएगा इट लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, देयरफॉर थीटा कितना होगा आपका पाई बाय टू, तो आंसर आ गया आई इक्वल्स टू वन कॉस पाई बाय टू प्लस का आई साइन, मन लिखना तो लिखो नहीं तो क्या कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई। होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 328 करना, फिर मैं आपको एक बार चार्ट और रिपीट कर देता हूँ। ये समझ में आ गया, ए जीरो था बी वन था तो आर निकल गया वन,
पॉजिटिव आई एक्स पर आई करना था जो आई था तो थीटा कितना आ गया पाई बाई टू। आंसर आ गया कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। देखो ए प्लस आई भी होती है आपके जनरल फॉर्म, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट पार्ट में रहेगा ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है फोर्थ क्वार्टर में लाइक करेगा क्योंकि बी एक तरीके से वाई होगा ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वार्टर में लाइक करेगा, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वार्टर में लाइक करेगा। अगर खाली ए की वैल्यू दे रखी है ये जीरो है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाइक करेगा, खाली ओनली ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे थीटा जो होता है सॉरी ओनली ए है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाइक करेगा और यहाँ पे थीटा कितना होता है जी माइनस का ए है ओनली तो थीटा कितना होगा पाई होगा, मतलब माइनस का थ्री आया था ना तो थीटा कितना गया था पाई, अगर ए होगा ही नहीं केवल आई वाली वैल्यू होगी वाई वाली और पॉजिटिव होगा तो वाई एक्सिस पर लाइक करेगा, ओनली वैल्यू ऑफ आई तो कहाँ आएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, थीटा कितना होगा पाई होगा और नेगेटिव आई होगा वैल्यू ऑफ आई नेगेटिव तो नेगेटिव आई एक्सिस पर लाइक करेगा, थीटा कितना होगा थ्री पाई होगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर थीटा जीरो होता है जब खाली ए ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो थीटा कहाँ आई करेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, थीटा कितना होगा पाई, खाली आई होगा ए जीरो होगा बी आई होगा बस पॉजिटिव होगा तो वाई एक्सिस पर आई करेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, थीटा कितना होगा पाई पाई, माइनस का आई होगा तो कहाँ आई करेगा नेगेटिव वाई एक्सिस पर, थीटा कितना होगा थ्री पाई पाई, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है पाई होता है, थीटा कितना होता है अल्फा, अगर एक्स ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो कहाँ लाई करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो माइनस के अल्फा, अगर ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थीटा कितना होगा आपका पाई माइनस है और अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थीटा कितना होगा अल्फा माइनस का। अब क्लियर है होमवर्क में 3 to 8 क्वेश्चन करना, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे आप सेंड कर देना, इसकी पिक मैं आपको सेंड करूँगा। Yeah, that is polar form. Thank you.